हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं। और हम अभी आए हैं दोस्तों लोहाड़ी के पास, अभी हम आए हैं और ये लोहाड़ी रोड के पास अभी हम खड़ा है। देखिए ये लोहाड़ी रोड, लोहाड़ी रोड के पास अभी हम आए हैं। और लोहाड़ी रोड के पास इसलिए आए हैं कि एक पार्सल है और पार्सल हमको भेजना है, बुंडू भेजना है। तो पार्सल हम लेकर आए हैं, देखिए ये है पार्सल, पार्सल है और ये पार्सल हमको बस में चढ़ाना है, बस में देना है। ये पार्सल जाएगा बुंडू और जो बस आएगी ना वो खादगढ़ बस स्टैंड से आएगी, इधर लोहाड़ी आएगी और लोहाड़ी से जाएगी बुंडू। और बस आती है 2 बजे, बस आती है और 2 तो बज गया है, तो कभी कभी लेट भी करता, आधा घंटा लेट भी करता है और कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। तो वही बस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जो बस आएगी ना, बस का नाम है माँ भवानी, खादगढ़ बस स्टेशन से निकलती है और वो जाती है बुंडू। तो अभी तक बस नहीं आई है, अभी दूसरा बस अभी जा रही है, देख रहे हैं दूसरा बस जा रही है। और दूसरा बस में देना भी नहीं है उसको, माँ भवानी बस में ही देना है। क्योंकि जिसका पार्सल जा रहा है ना, वो माँ भवानी का जो है ना कंडक्टर और ड्राइवर उसका पहचान का है, उसे बराबर उसे माल उल भेजते हैं ना, तो उसी से बराबर मतलब उससे संपर्क में है, इसीलिए माँ भवानी में ही हम लोग देते हैं, दूसरा बस में हम लोग नहीं डालते हैं। तो देखते हैं अभी बस कितना देर में आती है। और पार्सल उसल भी हम लेकर के अभी आए हैं, देख रहे हैं पार्सल यहाँ पर है, देख रहे हैं। और अभी लोहाड़ी रोड पर अभी हम खड़ा है और देखते हैं कितना देर में आती है। और जो बस आएगी ना पार्सल जाने वाला, वो बस आपको हम दिखलाएँगे, ठीक है? तो अभी नहीं आई है, अभी बहुत सा गाड़ी पार हो रहा है लेकिन अभी तक बस नहीं आई है। एक सफ़ेद रंग का बस आ रही है लेकिन दूसरा उसमें हमको नहीं देना है, हमको सिर्फ माँ भवानी में देना है। और वो जो बस है वो पीला रंग का बस है, उसमें हमको देना है। तो देखते हैं कितना देर में आता है बस, है ना, वेट करते हैं। और बस आता है ना तो बस आपको हम दिखलाएँगे कैसा बस है ना। विजय पकड़िए गुंडू, रामू ऑटो गुंडू, तो दोस्तों पार्सल तो बस में चला गया, तो देखे ना वही बस में जाता है पार्सल और दूसरा बस में हम लोग नहीं देते हैं। क्या तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी, वंदे मातरम।